हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर YouTube चैनल द सी फ्रेंड ब्लॉग ऑनलाइन। तो आज फाइनल डे आ गया है जिस दिन अपनी कार को मैं जा रहा हूँ पिक करने के लिए, और इस टाइम पे मैं हूँ कैब में, क्योंकि ऑब्वियस बात है अपनी गाड़ी ले जाऊँगा तो ड्राइव करके आऊँगा। सो गाड़ी लेने जा रहा हूँ मैं, इस टाइम रास्ते में हूँ और काफ़ी सारे रूल्स हो गए हैं, मतलब कोविड के बाद से कैब को लेके, गाड़ियों को लेके, सेटिंग कैपेसिटी को लेके, जिसकी वजह से दो कैब करनी पड़ी। एक कैब में मैं, मेरी दीदी जा रहे हैं पीछे बैठे हुए, और दूसरी कैब में मेरा भाई और मेरे पापा भी जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुँच रहे हैं शोरूम में, उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाड़ी, और गाड़ी आज रिवील कर दी जाएगी कि कौन सी ली है। चलिए दोस्तों, जैसा आपको पता है एडमिट कार्ड सेल करना कितना मुश्किल टास्क है, वो भी तब जब आपको अपनी गाड़ी के लिए राइट बायर चुनना हो जो कि आपको बेस्ट प्राइसेस आपकी गाड़ी के प्रोवाइड करे। मैं कहता हूँ क्यों ना कार्स 24 को ट्राई करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। इनकी यूनिक बीडिंग सिस्टम के चलते भाइयों 25 मिनट के अंदर हजारों चैनल पार्टनर्स जो है बोली लगाते हैं, और ये काम बहुत फटाफट होता है। इवन आप इस काम को अपने घर बैठे भी जो है कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, आपकी RCB ट्रांसफर हो जाती है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, लिंक को फॉलो करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है कार्स 24 के साथ, और आप पाइए अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस। सो भाई अभी हम जा ही रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, तो हमारे साथ भैया है। भैया ने क्या तगड़ा वाला काम किया हुआ है गाड़ी के अंदर, देख रहे हो। यूजुअली आप लोग अपना इस पर रखते होंगे, इसमें आपके पास हवा सामने से आती है, आप इस पर करते हैं तो आपके पैरों पे हवा आती है, बट भैया ने यहाँ पर सही जुगाड़ बना रखा, देख रहे हो। ये पाइप लगा रखा है और ये पाइप जा रहा है पीछे यहाँ, एक नंबर काम कर रखा है। मतलब जैसे हवा आगे रहेगी तो पीछे भी जो है प्रॉपर हवा जाएगी भाई, ये देख के तो मतलब जैसे कहते ना बढ़िया वाला काम, ये मैं भी करवाऊंगा अपनी गाड़ी में। सो यहाँ भैया जी भी हमारे हो गए सब्सक्राइबर, और भैया को पता है मैंने कौन सी गाड़ी ली है, इवन आपको भी नहीं पता। टाटा पहुँच गया हूँ, दिखाता हूँ आगे। सो इस टाइम पे पहुँच गया हूँ मैं टाटा के शोरूम के बाहर खड़ा हूँ, और गाड़ी अपने अंदर है, और अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड है। कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे जो है रूल्स आए हैं कैब को लेके भी, कि एक गाड़ी में दो या तीन लोग से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो उस चक्कर में जो है मेरे पेरेंट्स दूसरी कैब में आ रहे हैं पीछे से। तो लेट्स सी, एक बार उनको आने देता हूँ, फिर उसके बाद आपको अंदर लेके चलता हूँ। और ये आ गया अपनी गाड़ी का नंबर, यहाँ पे देख लो भाई 0924 गाड़ी का नंबर अपनी रहने वाला है, और उसमें अपनी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको थोड़ा दूर रखते हैं। ये अपनी गाड़ी का नंबर है जो अपनी गाड़ी पे आज लग जाएगा। यूजुअली होता क्या है, यूजुअली ये होता है कि लोग जो है गाड़ियाँ परचेज करते हैं उसके बाद नंबर एक दिन बाद आता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमका नंबर ऑन द स्पॉट दे दिया गया है, जो हमारी गाड़ी का नंबर है वही रहने वाला है। नंबर आपने देख ही लिया है, गाड़ी भी आपको पता लगी जाएगी कौन सी है, बस इतना वेट करा, थोड़ा सा और वेट करो, आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी कौन सी है। मैं पहुँच गया हूँ और मैं बैठा हूँ इस टाइम पे गाड़ी के अंदर, और अभी आपको गाड़ी दिखा दूँ कौन सी है। और साथ साथ जो है हर्ष भाई आ रहे हैं रास्ते में, पहुँच रहे हैं अभी, उनको 15-20 मिनट और लगने हैं आने में, तब तक मैं सोचा मैंने अपनी गाड़ी में ही क्यों ना बैठूँ, थोड़ा देखूँ गाड़ी को, ज़रा निहार लूँ। ट्रायंगल होगा, फर्स्ट एड किट होगी, एक्सेसरी कुछ लगाई थी आपने? नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेल इनवॉइस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, आरटीओ की स्लिप मैंने दिखा दी आपको, इंश्योरेंस का आपको मैंने क्लेम दिखा दिया, ठीक है ना। सो ये था अपना गाड़ी का, क्या क्या सामान गाड़ी के साथ मिल रहा है, क्या क्या सामान नहीं मिल रहा है, ये वो हर एक चीज़ थी जो गाड़ी के साथ मिलनी थी। तो यहाँ फैमिली वाले सब बैठे हुए हैं पीछे, वो सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कह रहे हैं लास्ट नंबर इज़ लाइक अपने व्हाइट हॉक्स वाला ही है 5924, ये 0924 है, 924 अगेन 924, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज़ हाउ कार लुक्स लाइक, ग्लॉस देख रहे हो बाबा लोग, सिरेमिक कराएंगे, ग्राफीन कराएंगे, सारी हर तरह की कोटिंग अपनी गाड़ी में जो है होगी अभी आगे चल के। और भी हमारी गाड़ी में लग रहे हैं कुछ लिप्स, ये हमारे परमजीत भी हैं जिन्होंने हमारी गाड़ी लेने में हेल्प करी है बहुत अच्छे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? भैया अभी आप क्या लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में? ये भैया हमारा थर्ड नंबर प्लेट नंबर स्टिकर है जो कि मैंडेटरी हो गया आजकल। अच्छा, नंबर प्लेट के साथ होता है, इसके बिना चलाना है हमारा, ठीक है। आप कहिए फास्टैग भी हमारा इसमें लग रहा है, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली कल तक एक्टिवेट होगा, ठीक है, ओके। और ये अपना नंबर प्लेट है जो अपनी गाड़ी में अभी हम लगवा रहे हैं, वो भी मैं इंप्लीमेंट करूँ, ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में मैंडेटरी है, और गाड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सेफेस्ट हैचबैक है इंडिया की ऑल्ट्रोस, और यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी सारी ऑल्ट्रोस जा भी रही है, एक ये खड़ी है, एक जा चुकी है, और मेरे ख्याल से दो जा चुकी है इस टाइम पे यहाँ से ऑल्ट्रोस। सो जब भी आप गाड़ी परचेज करते हैं तो गाड़ी के साथ जो है 5 लीटर आपको पेट्रोल मिलता है, उसके भी दो तरीके की फॉर्म होती है। जब मैंने पहली गाड़ी परचेज की थी तो उस टाइम पे मेरे को उन्होंने जो है भेजा था गाड़ी पेट्रोल पंप पे, कहा था ये स्लिप दिया गया है 5 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हो, और यहाँ हमारी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भैया डाल रहे हैं। ऑल दो गाड़ी की एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, मैं भी आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपरली दिखाऊंगा। अपकमिंग ब्लॉग्स जो होंगे अपने इसी पे रहने वाले, अपनी सेफेस्ट हैचबैक के अंदर। ऑल दो गाड़ी एकदम बेस मॉडल है तो डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होना,
इस गाड़ी को ऐसा बनाएंगे ना यार कि जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों को देखने में मजा आएगा, वो काम करेंगे हम इसके अंदर। काफी कुछ है, रूफ पे देख लो भाइयों, मतलब बेस मॉडल लेने का पर्पस जो आपको अच्छे से पता लग जाएगा आगे की वीडियोस में। सो कुछ इस तरीके से दिखती है अपनी फ्रंट से कार, और रिबन शिबन लगे हैं। वैसे रिबन शिबन पसंद तो नहीं है मुझे, बट मेरी मम्मी ने बोला है कि रिबन शिबन रहने देना, हटाना मत, क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली गाड़ी से भी रिबन वगैरह ये लगा लो हार्डली 1 किलोमीटर में ही हटा दिए थे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते। लेकिन मम्मी ने बोला है तो छोड़ रहे हैं, तो बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहने देते। अब मैंने अपनी गाड़ी में एक एडिशनल काम करवाया, जो मैंने शोरूम से परचेस करवाया है वो ये रहने वाला है। मैंने अपनी नंबर प्लेट को फ्रेम लिया है, जो कि मुझे पड़ा है 300 रुपये का शोरूम से। वो लेने के पीछे रीज़न ये था कि गाड़ी की लुक के हिसाब से फ्रेम थोड़ा अच्छा लगता है, और जो अपनी नंबर प्लेट लगनी है प्रॉपरली पंच होनी है, तो बार बार निकालने काटने में उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो इससे बेटर है कि हमने उसमें जो है अभी पंच फ्रेम यहीं से लगवा लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ हो रही है हमारी नंबर प्लेट रेडी, और नंबर आप कई लोगों को पता होगा, अपना व्हाइट हाउस का नंबर भी 5924 था, और अपनी अब इसके नंबर ही 5924 है। और अब जब पता है गाड़ी ले ही ली है, तो एक चीज़ और करनी है, आप लोगों को मेरे को हेल्प करनी है गाड़ी का नाम रखने में। तो गाड़ी का नामकरण करना है तो मेक श्योर इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम में लाइव सेशन करेंगे और उसमें जो है गाड़ी का नाम भी रखेंगे। और प्लीज़ अच्छा नाम सजेस्ट करो, जो अच्छा नाम सजेस्ट करेगा उसको मेरे से कुछ इनाम ही मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ नंबर प्लेट जो हमारी लग रही है, पर उससे पहले हम टेम्परेरी नंबर प्लेट का जो रेड वाला स्टिकर है उसको हटा रहे हैं, क्योंकि जो है ये चीज़ नंबर के ना नीचे से नज़र आ रही है नंबर प्लेट के, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए उसको जो है हटवाया जा रहा है यहाँ पे। और अपनी अब बात आ गई है फ्रंट की, तो फ्रंट पर अपना नंबर प्लेट चेंज हो ही रही है फाइनली, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख के। फ्रेम लगवाने का डिसीजन कैसा था मेरा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि फ्रेम के बिना थोड़ा नंबर प्लेट ना अकेली अकेली सी लग रही थी। अब ब्लैक में पूरा बम्पर वम्पर में टच ऑलरेडी है, तो ब्लैक में ही हम उसमें जब फ्रेम भी लगा रहे हैं तो गाड़ी का नंबर प्लेट भी एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, और अकेला अकेला सा पूरा पूरा वाइट वाइट सा भी नहीं हो रहा। और अब आपको बताना साथ में कमेंट रहेगा किस तरीके की मॉडिफिकेशन आप देना पसंद करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बम्पर भी पूरे चेंज करूँ और इसको लोवर्ड करूँ, मतलब जो जो कर जो जो चाहते हो सब बताओ मुझे कमेंट करके। या मेरे घर वाले कर रहे हैं पूरी फॉर्मेलिटी, हर्ष भाई बाहर गाड़ी के पास खड़े होकर पता नहीं क्या बक बक करने में लगे हुए हैं, मैं अंदर आ गया इस टाइम पे अपनी फॉर्मेलिटी करवा रहा हूँ, मेरे घर वाले बैठे हुए हैं, ऑल दो फर्स्ट टाइम सब देख रहे होंगे आपको। सो गाड़ी के साथ कुछ गुडीज़ है, मतलब मैंने एक ये आपको सैनिटाइजर अभी अवेलेबल नहीं था, मैंने आपको ये वो दिया है, ओके टिश्यू बॉक्स है, ठीक है। एक मैंने मैम को मूर्ति भी दी, मूर्ति दी है देखो, ओके जाता ही जाता है मैंडेटरी, ओके नाइस। और ये अपना माता जी हमारी गाड़ी आगे सेंटर पर लगा दीजिए ऊपर, हाँ एक्चुअली ना अभी क्या पॉलिश है हाँ, वो तो मोस्ट प्रोबब्ली ज़्यादा फिक्स नहीं होगा हाँ। पर फिर भी मैं प्लेस कर देता हूँ। तो ये हमारी माता जी बैठ गई है गाड़ी में, मेरी माता से पहले, मेरी मम्मी कह रही थी माता से पहले माता को बिठा दो, तो मम्मी कैसी लगी गाड़ी, अच्छी है बढ़िया ठीक है ना। तो आप फ्रंट से दिखा देता हूँ एक बार और आपको घर गाड़ी भैया होगी सर। सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपना पूरा टूल के साथ है, ओके प्रॉपर फिटमेंट में, और ये आपका इमरजेंसी ट्रायंगल एट द टाइम ऑफ अगर कोई रात के टाइम रुकना हो, ठीक है ठीक है। तो भैया ने हमें यहाँ चेक करा दिया अपना बूट स्पेस में क्या क्या सामान आता है, और ये अपनी कुछ कीज रहने वाली है गाड़ी की। थैंक यू सो मच फॉर द की। सो यहाँ पे अब हम बैठ गए अपनी नई कार के अंदर। सो मम्मी कैसा लग रहा है, आपको पता है बेस मॉडल क्यों परचेज किया मैंने। ये रनिंग बताऊं गाड़ी की रनिंग हमारी 45 किलोमीटर है अभी इस टाइम पे, जब मैं पहले देख के गया था 37 कुछ थी, और अब यहाँ पे अपने सेंटर पे आ गई है शोरूम में आई है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट होगी 47, बट स्टिल गाड़ी का मीटर पूरा इलेक्ट्रॉनिक के बीच में स्पीड प्रॉपर लिखी हुई आती है। फ्यूल थोड़ा कम है इसके अंदर देख पा रहे होंगे अगर आप पन्नी की वजह से दिख ना रहा हो तो, चलो आप आपको दिखाता हूँ क्या आएगा होता है। और यहाँ पे दिल्ली में कुछ रूल्स ऐसे हैं कि एक गाड़ी के अंदर 3 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, तो इसलिए भाई और दीदी जो है कैब में जा रहे हैं, मम्मी पापा मेरे साथ है। चलो ठीक है ओके भाई मिलते हैं मंदिर पे। तो इस टाइम पहुँच गया मैं फ्यूल डलवाने के लिए, क्योंकि जो कंपनी ने शोरूम वालों ने फ्यूल डाला था वो तो भाई 5 लीटर ही था, वो तो शुरू से ही इसमें ब्लिंक कर रहा है कि पेट्रोल नहीं है, तो मांग हूँ पेट्रोल डलाने के लिए, और देखते हैं अपनी गाड़ी में कितना तेल जो है आता है टैंक फुल कराने के बाद। ऑल दो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा उस टाइम पे हो चुका है। सो यहाँ पे अब अपनी गाड़ी में भर रहा है, फ्यूलिंग हो रही है। सो फ्यूलिंग की बताऊँ सीन शॉट क्या है, फ्यूल के दिक्कत इश्यूज़ ये हैं, पर तब गाड़ी चेकआउट कर लो यार, फ्यूल छोड़ो, गाड़ी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और
फ्यूल की बात करूँ तो फ्यूल देख लो भाई, फ्यूल का प्राइस हो चुका है 98.46 यहाँ पे पेट्रोल हो चुका है। देखते हैं कि टैंक फुल में कितना आता है। ऑल दो उसके अंदर जो है फ्यूल की लाइट जल रही थी इस टाइम पे, पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम था, खाली 5 लीटर डाला हुआ था, वो इसके अंदर पेट्रोल था। उतने में शोरूम से लेकर धौला कुआं तक आ गया था, मोती नगर से बेसिकली। चेकआउट कर लो, आइए आपको दिखाता हूँ कितना कितना फ्यूल जो आता है इसके अंदर। भरे जाए भरे जाए भरे जाओ, 3000 का हो चुका है 31 लीटर, क्योंकि पेट्रोल 3000 पे रुक गया है। कट लग गया अंकल, रुक। हाँ जी, सो यहाँ पे हो रही है अब अपनी कार की पूजा, विच इज़ मैंडेटरी। पूजा होना स्वास्थ्य नॉर्मल बात है कि पूजा होनी ही होनी है अगर गाड़ी लो तो। और वह मेरी मम्मी। ओम पुनंत माम देव जना पुनंतो मनसा दया पुनंत विश्वा भूतानि जादवे दो पुनीत माम। थोड़ा छिड़क लो रिबनी यहाँ पे माता की चुन्नी। दोस्तों यही थे अपना आज का वीडियो जिसे मैंने आपको दिखाई, ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस। आई होप आप लोगों को ये गाड़ी पसंद हो, और अगर पसंद नहीं है तो आपको पसंद आ जाएगी, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ कि डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और गाड़ी के अंदर आप क्या क्या मोड्स देखने चाहते हैं मुझे प्लीज़ DM करें इंस्टाग्राम पे, और साथ साथ अपना कमेंट भी कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाओ जब पहले सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। और जब इस बार मैंने सोचा इस गाड़ी में कुछ ना कुछ नहीं बहुत अच्छा कुछ लगाएंगे। और साथ साथ इस गाड़ी के बारे में अगर आपको और जानना है तो आगे की वीडियो ज़रूर देखें। मैंने इस गाड़ी के बारे में इतना कुछ सोच समझ के जो है प्लान की हुई है ना, कि ये लगा लो कि आप लोगों को जिसको अल्ट्रोस पसंद नहीं है उसको भी अल्ट्रोस पसंद आ जाएगी। मैं ऐसे ऐसे काम जो अपनी गाड़ी में करवाने वाला हूँ। सो यही था अपना आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन नहीं मिले आपको और वीडियोज़ की। चलिए मिलते हैं अपनी नई गाड़ी के साथ और वीडियोज़ में। टिल देन।